दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग ब्रेकफास्ट में या फिर यूं कह सकते हैं कि छोटी मोटी भूख को मिटाने के लिए ज़्यादातर बिस्किट्स या फिर चिप्स, कुरकुरे वगैरह खाते ही हैं, और ज़्यादातर लोग ये खाना पसंद भी करते हैं। लेकिन वहीं इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ता आ रहा है पार्ले जी बिस्किट। सालों से सबका पसंदीदा और सस्ता भी है पार्ले जी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पैकेट पर छपी ये छोटी सी बच्ची आज कितनी बड़ी हो गई है और कैसी दिखती है? अगर नहीं जानते तो जानने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप और हम बचपन से ही पार्ले जी खाते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो हमारे पास नहीं है। जैसे कि पार्ले जी एक भारतीय कंपनी है जिसकी शुरुआत अंग्रेजों के जमाने से हो गई थी। मुंबई के एक मिलपांडे चौहान परिवार ने 1929 में इस कंपनी की शुरुआत की थी, और बाजार में अंग्रेजी बिस्किट की लोकप्रियता को देखते हुए पार्ले जी ने भी 1939 में बिस्किट बनाना शुरू कर दिया था। सस्ता और टेस्टी होने के कारण पार्ले जी बहुत हिट भी हुआ, और उस समय चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे लोगों ने भी छोटी मोटी भूख मिटाने के लिए पार्ले जी को खूब पसंद किया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पार्ले जी के पैकेट पे छपी ये छोटी सी दिखने वाली बच्ची आज बहुत बड़ी हो चुकी है। इस बच्ची का रियल नाम नीरू दिसपट्टे है। नीरू नागपुर की रहने वाली है, और दोस्तों, नीरू जब 4 साल की थी तब उनके पिता ने उनकी ये फोटो खींची थी और उस फोटो को पार्ले जी कंपनी को भेज दिया था। उनकी फोटो सेलेक्ट हो गई और तभी से इसकी प्रिंटिंग शुरू हुई। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज नीरू इतनी बुजुर्ग हो चुकी हैं जिन्हें आप खुद भी देख सकते हैं। और दोस्तों, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी ब्रांड को इतने लंबे समय तक एक ही फेस यूज करने की जरूरत पड़ी हो। तो दोस्तों, अगर आपने भी पार्ले जी बचपन में खाया है तो हमें कॉमेंट सेक्शन में पार्ले जी लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को इस लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।